हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं लड्डू की रेसिपी, जो हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पे 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है मैंने, जो कि दरदरा आटा है, दलिए से थोड़ा सा पतला और नॉर्मल आटे से थोड़ा सा मोटा, जिसे हम करकरा लोट भी कहते हैं। इस आटे में सबसे पहले मैं ऐड करूंगी एक बड़ा चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने। इसे हम आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिसे हम मोयन भी कहते हैं, लेकिन ऑयल हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। तो 500 ग्राम आटे में सिर्फ एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है मैंने। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सख्त डो हम तैयार कर लेंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसका एक बहुत ही सख्त सा डो तैयार कर लिया है। तो पानी हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है। अब जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है, आप उस तरह से भी अपनी हाथों की हेल्प से आटे को शेप दे सकते हैं, ताकि हम आसानी से आटे को फ्राई कर पाएं। तो मैं इसी तरह से सारे आटे से रफ लड्डू या फिर इस तरह की शेप जो है वो तैयार कर लूँगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे आटे को मैंने एक ही शेप में रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए एक कप देसी घी लिया है मैंने। घी को हम गरम कर लेंगे। हल्का सा घी गरम हो जाए, उसके बाद आटे की शेप्स या फिर रफ लड्डू जो हमने तैयार किए हैं, उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 लड्डू जो हैं वो मैंने घी में डाल दिए हैं और ये हल्के हल्के वाइट होना शुरू हो गए, फ्राई होना शुरू हो गए हैं। इन्हें हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल इस तरह के। ये देखिए, तो ये लड्डू जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारी शेप्स या फिर लड्डू या फिर आटा, आप कह सकते हैं, इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू यहाँ पे फ्राई कर लिए हैं। सारा आटा मैंने फ्राई कर लिया है। इन्हें थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे या फिर रूम टेम्परेचर तक इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद इन लड्डुओं को या फिर शेप को हम 2 या 3 टुकड़ों में तोड़कर छोटा छोटा कर लेंगे। अब हम लेंगे एक मिक्सर जार और इन शेप्स को इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसका फाइन पाउडर हम तैयार कर लेंगे, बिल्कुल बारीक सा पाउडर हम तैयार कर लेंगे। तो इसे ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं वीडियो में, इसका बहुत ही बारीक सा पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। चलिए इसे हम परात में निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी बचे हुए लड्डू हैं या आटा है, उसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, बाकी बचे हुए आटे का भी मैंने यहाँ पे पाउडर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून इलायची पाउडर, साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी किशमिश ऐड की है, आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो 500 ग्राम आटे के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम चीनी यूज़ कर रही हूँ। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गेहूं का जो पाउडर हमने तैयार किया है, चीनी उसमें अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे बची हुई चीनी भी मैं पाउडर में ऐड कर दूंगी और उसे भी अच्छे से मिला लूंगी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चीनी जो है वो पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर ली है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। जो घी हमने डो को फ्राई करने के लिए यूज़ किया था, वही बचा हुआ घी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इसे भी हम पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आप एक्स्ट्रा घी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो। अगर आप सेम क्वांटिटी के साथ लड्डू तैयार कर रहे हैं, तो फिर 1 कप घी जो हमने लिया है वो इनफ है, उसमें आपको और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मिल्क, दूध लिया है मैंने, उसे हम आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दूध हमने इसमें इसलिए ऐड किया है ताकि घी जो है वो कम यूज़ हो।
अब हम इसके लड्डू तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से दोनों हाथों की हेल्प से आप इसे गोल शेप दे सकते हैं। सी, लड्डू तैयार है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में और बाकी के लड्डू सेम प्रोसेस के साथ हम तैयार कर लेंगे। दोनों हाथों की फिंगर्स की हेल्प से आटे को हम राउंड शेप देंगे, लड्डू की शेप देंगे, और आप देख सकते हैं लड्डू हमारा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम सारे लड्डू जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू जो हैं वो हमने बनाकर यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। चलिए इन्हें जल्दी से सर्व कर लेते हैं एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।